नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट है कि रीट लेवल सेकंड के अंदर अर्थात शिक्षक भर्ती 2018 के अंदर एक अभ्यर्थी का जो उसमें जो ट्रांसफ़र था वो पद लेवल 2 से पद लेवल 1 के अंदर करने का मामला सामने नज़र आ रहा है। इस खबर में अपने इस खबर को अपने विस्तार से इसमें पढ़ेंगे भी इसमें जो मामला है वो क्या कुछ है। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस RS स्टडी ट्रिक चैनल को इस रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाली इस घंटी के बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं ये खबर कब की है। ये जो खबर है वो रविवार 22 जुलाई 2018 की खबर है, जयपुर से है। अब अपने खबर को विस्तार से पढ़ते हैं, इसमें क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है कि शिक्षक का ट्रांसफ़र लेवल 1 में करने पर रोक लगा दी। जयपुर हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल 2 पद पर कार्यरत प्रार्थी शिक्षक का ट्रांसफ़र लेवल 1 में पद पर करने वाले आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगाते हुए मामले में प्रारंभिक शिक्षा उप सचिव, निदेशक सचिव, अन्य अफसरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश VS सिरांधना ने यह अंतरिम निर्देश मुश्ताक खान की याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि प्रार्थी झालरापाटन के प्रेमपुरा में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 2 पर पद पर कार्यरत था। विभाग ने मई 2018 में उसका जो ट्रांसफ़र है वो भवानी मंडी लेवल 1 के पद पर शिक्षक पद पर कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि नियमानुसार शिक्षक को उसी लेवल के समान लेवल के पद पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी लेटेस्ट अपडेट कि एक शिक्षक का लेवल 2 से लेवल 1 के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मिलते हैं कई नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।